जीव मात्र में है परंतु मनुष्य मात्र में तीन शक्ति है। एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। हम जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। इन तीनों में से किसी को भी प्रधान लेकर के चले परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। आपका खुद का अनुभव ये है, वो बात कहता हूँ, आप कृपा करके ध्यान दें। बड़ी सीधी सरल बात है। करने की बात है, वो क्या है? मनुष्यों ने एक सोच रखा है कि मैं ले लूं, जो कुछ ले लूं। करना मतलब उपार्जन कर लूं, संग्रह कर लूं, सुख भोग लूं। ये दो चीजें, संग्रह करके वस्तुओं का, रुपयों का, पदार्थों का, जमीन जायदाद का संग्रह कर लें और उनसे सुख भोग लें। ये एक करने की बात दिखती है, परंतु ये मनुष्य समझ सकता है वे करना कब तक करोगे? क्या करने की शक्ति हरदम रहेगी? क्या संग्रह किए हुए पदार्थ रहेंगे? क्या सदा भोगते रह सकते हो? ये विचार करने की बात है। करने की शक्ति हरदम नहीं रहती, बीमार हो जाते हैं, पड़े रहते हैं, हाथ इधर उठाना, करवट बदलना भी हाथ की बात नहीं रहती। तो करने की शक्ति सदा रहने वाली नहीं है और संग्रह भी सदा साथ रहने वाला है नहीं। संग्रह किया हुआ पदार्थ और साथी, क्या ये सदा रहेंगे? क्या उनके साथ हम रहेंगे? क्या वे हमारे साथ रहेंगे? ये मनुष्य के लिए खास बात है, ये पशु पक्षी नहीं समझ सकते। मनुष्य ये समझ सकता है कि पहले की अवस्था नहीं रही, पहले के साथी नहीं रहे, पहले की साधन सामग्री, सुख सामग्री नहीं रही, तो अभी के साथी साथ रहेंगे? अभी की वस्तुएं साथ रहेगी? अभी का सुख साथ रहेगा? ये हरेक भाई बहन सोचे। तो करने की शक्ति है और लेने की जो शक्ति है, ये निरर्थक हो जाएगी। जितना लिया है वो साथ जाएगा नहीं, साथ रहेगा नहीं। क्रिया हरदम साथ रहने, क्रिया का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। वस्तु और व्यक्ति का संग होता है, वियोग होता है। ये सबका अनुभव है, आप पढ़े लिखे हो चाहे न पढ़े लिखे हो, कितने ऊंचे विद्वान हो चाहे बिल्कुल अक्षर मात्र का ज्ञान न हो, ये सब जान सकते हैं कि साथी सदा रहने वाले नहीं है, वस्तुएं सदा साथ रहने वाली नहीं है और क्रिया हरदम करने की सामर्थ्य रहने वाली नहीं है, कर नहीं सकेंगे हरदम। तो वस्तुओं से, व्यक्तियों से और क्रियाओं से रहित होना ही पड़ेगा। इसमें एक मार्मिक बात है कि जब एक दिन आएगा तो करने की शक्ति नहीं रहेगी, वस्तु के साथ नहीं रहेगी, व्यक्ति के साथ नहीं रहेगी, तो इन व्यक्तियों को रहते हुए अपने अलग हो जाए। अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तून तजे अब हीते, मन पचते हो प्राणी अवसर बीते। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं,
कि समय बीतने पर पश्चाताप करना पड़ेगा, अंत में तेरे को छोड़ देंगे सभी। तो ये छोड़ देंगे तब दुख होगा। भजंत स्वातंत्र परितापाय मनुष्य, हम तो संग चाहते हैं और वो छोड़ चले जाएंगे तो बड़ा संताप होगा, जलन होगी कि हमने ऐसा नहीं जाना था कि ये हमारा पुत्र है, हमारा साथी है, हमारा मित्र है, ये अलग हो जाएगा, ये हमने जाना था। तो संताप होता है और होता है अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह हो तो आप लिख लेना, व्याख्यान के बाद पूछ लेना। कल मैंने बात कही थी, आज फिर कहता हूँ, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी, बड़ी चेतावनी की बात है।